किसी को शह दिया उसने, किसी को मात दे दी है, किसी को शह दिया उसने, किसी को मात दे दी है। विधाता ने सभी को कुछ ना कुछ तो बात दे दी है, विधाता ने सभी को कुछ ना कुछ तो बात दे दी है। आप में काव्य सुनने की ललक जिसने जगा डाली, उसी ने काव्य रचने की मुझे सौगात दे दी। काव्य रचने की मुझे सौगात दे दी है। मैं बहुत आभारी हूं और मैं चाहती हूं आज कुछ पंक्तियां ऐसी जो मैंने कहीं नहीं पढ़ी हैं, वो आप तक इसलिए क्योंकि हम सब इस पवित्र प्रांगण में हैं, इस भव्य प्रांगण में हैं। अपनी पंक्तियों के माध्यम से और उस पर आपकी मिली प्रतिक्रिया के माध्यम से प्रांगण की दिव्यता को महसूस करना चाहती हूँ। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, यदि वो आपके मन की भी बात हो तो मुझे सूचित कर दीजिएगा। बहुत मन से पंक्तियां आप तक समर्पित कर रही हूँ, सुनेगा। आपने कहीं भी ये पंक्तियां सुनी नहीं होंगी, मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, सुनेगा। निपट एकल विकल की नाव बिन पतवार खेता है। क्या ये आप सबके जीवन में यदि घटा हो, आप सब कहना चाह रहे हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, सुनेगा। निपट एकल विकल की नाव बिन पतवार खेता है, भुवन भावन की महिमा है कि जो निष्काम देता है, भुवन भावन की महिमा है कि जो निष्काम खेता है, कि जो निष्काम देता है। विकट स्थिति का सागर या कि षड्यंत्रों का दल दल हो, विकट स्थिति का सागर या कि षड्यंत्रों का दल दल हो, मैं जब भी डूबने लगती वो मुझको थाम लेता है। वो मुझको थाम लेता है। और चार पंक्तियों पर आपके अतिरिक्त तालियां मुझे चाहिए। बात अगर आपके मन की कह दी हो तो आपकी तालियां और घंटियों तक जाएं। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, सुनेगा। अपने जीवन की नैया को भक्ति भाव से ही खेना। और दूसरी पंक्ति पर यदि आप इस गौशाला में मानसिक रूप से उपस्थित होंगे तो आपकी आपका प्रणाम वहां तक पहुंच जाएगा। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ जिस भाव से आप बैठे हैं। अपने जीवन की नैया को भक्ति भाव से ही खेना, अपने जीवन की नैया को भक्ति भाव से ही खेना। जिसे बिहारी मिल जाए उसको दुनिया से क्या लेना, जिसे बिहारी मिल जाए उसको दुनिया से क्या लेना। मन में हो संदेह कोई भी रास्ता ना दिखलाई दे, खुद में भर विश्वास वहां बस राधे राधे कह दे। राधे राधे राधे। बहुत आभार। चार पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। पिछले दिनों आपने गर्व जिया होगा, यदि वो दृश्य आपके सामने आपने देखा होगा तो मुझे बताइएगा। जो लोग दिन रात तिरंगे को कोस रहे थे, अपमानित कर रहे थे, वो बच्चे भी यूक्रेन से तिरंगा ओढ़कर अपने घरों तक सुरक्षित पहुंच सके, ये शक्ति तिरंगे में है। आपकी तालियां मुझे सूचित नहीं कर पाई कि आपने वो दृश्य देखा भी है या नहीं। आदरणीय स्पीकर महोदय की उपस्थिति है, मैं उनके सम्मुख ये बताना चाहती हूँ कि वास्तव में वो तिरंगे में आखिर शक्ति किसकी है। यदि आपको भी ये लगे तो मुझे साहस दीजिएगा, मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ। एक छोटी सी निवेदन में व्यवस्थापकों से कर दूं, मुझे लगता है कि आपने खाना खोल दिया है, तो कुछ लोग उधर जाते हैं फिर आते हैं, कुछ लोग दोना लेके आते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कुछ और है, ये हमें भी पता है, लेकिन अब हमें बुला लिया है तो सुन लीजिएगा। तो मेरा अनुरोध यह है कि हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, हम चले जाएंगे। डूब कर कुछ सुनो और सुनकर गुनो, मन मिलाओगे तो मन से जुड़ जाएंगे, वरना हम हैं पखेरु बहुत दूर के, बोलियां बोलकर अपनी उड़ जाएंगे। तो क्या हो रहा है कि बीच में से कोई उठता है, बीच की गैलरी है, इसमें भी लोग हैं, मंच के पीछे पीछे से लोग खाना खा रहे हैं, उधर से आ भी रहे हैं,
ये व्यवस्था है, या तो आप थोड़ा समय दीजिए, 10-11 बजे तक लोग खाते ही, हम निपटा ही देते हैं, तब तक हम भी खा लेंगे साथ में, या फिर ऐसा है तो कुछ ऐसी व्यवस्था करिए कि लोग दिखाई ना दें या उठे करें ना, कम से कम जब कवि बोले तब ना हो, मैं बोलूं तो खूब उठो, जहां जाना है वहां चले जाओ, हमारे तो 67 भग गए थे, तुम कौन हो भैया? प्रणाम भैया प्रणाम, सब भग गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये कहां से आई? लखनऊ से आई है, लखनऊ से फ्लाइट पकड़ के दिल्ली पहुंची, दिल्ली से यहां से यहां तक आई। देखो बाबूजी ने कह दिया खाना बन गया, बाबूजी आप ही कहो, हाँ लट्ठा आपका ही है अभी। अरे कौन है? बाबूजी कह रहे हैं टाओ, समझ लो तुम, जो भी है मतलब व्यवस्था बना सको तो बना लो, तो कोई बात ही नहीं है, अपन तो चली जाएंगे। जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सूचित करो कि आप 100% बैठे हुए, है ना? हाँ बेटा, अब जरा मन कर बच्चा। बहुत आभार, चार पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। हाँ बेटा। टूटते साज बचाने के लिए लिखती हूँ, टूटते साज बचाने के लिए लिखती हूँ, शोख अंदाज बचाने के लिए लिखती हूँ, छोड़ श्रृंगार की बातों को ओज की बातें, छोड़ श्रृंगार की बातों को ओज की बातें, देश की लाज बचाने के लिए लिखती हूँ, देश की लाज बचाने के लिए लिखती हूँ। और चार पंक्तियां मैं आप तक पहुंचा रही थी कि वो तिरंगे में शक्ति किसकी आदरणीय की उपस्थिति में पंक्तियां समर्पित करती हूँ, किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। धारा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी, वो दृश्य तैरे तो मुझे गर्व दीजिएगा। धारा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी, हर एक कण पर समर्पण की इबारत भी दिखी होगी, हर एक कण पर समर्पण की इबारत भी दिखी होगी, नजर भर कर जरा देखो पता चल जाएगा तुमको, तिरंगे पर सपूतों की विजय गाथा। तिरंगे पर सपूतों की विजय गाथा लिखी होगी। और चार पंक्तियां इनकी उपस्थिति में फिर कह रही हूं, अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है, ना भाषण से है उम्मीदें, ना वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है।